तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑनलाइन हम गिटार को कैसे खरीद सके। तो काफ़ी टाइम क्या होता है कि आपके एरिया में गिटार शॉप्स नहीं होता एंड आपको ऑनलाइन ही खरीदना पड़ता है। तो काफ़ी क्वेश्चंस मुझे आता है कि क्या ऑनलाइन गिटार हमको खरीदना चाहिए, क्या ऑनलाइन गिटार खरीदना सही रहेगा, कहीं डैमेज गिटार तो नहीं मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कैसे हम लोग amazon.in से गिटार खरीद सकते हैं। अमेजोन जैसे आपको पता होगा कि अभी काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी ट्रस्टेड ई कॉमर्स साइट है। तो आज मैं आपको एक पूरा लिस्ट दिखा दूंगा 2000 से लेकर 10000 के अंदर हमको कौन कौन से गिटार्स मिल जाते हैं अमेजोन पे, एंड आपको बता दूंगा आपको कौन से गिटार लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो अभी मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। मैंने 4-5 गिटार सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो उन गिटार्स को। तो आज का वीडियो भी स्टार्ट करेंगे, अगर ये आपको हेल्प करा जरूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, क्योंकि आपके लाइक से मुझे पता चलता है मैं आपको इतना हेल्प कर पा रहा हूँ। तो चलिए भी शुरू करते हैं। तो चलिए भाई अमेजोन पे चेक करते हैं कौन सा गिटार अवेलेबल है। तो अगर हम सर्च करते हैं एकोस्टिक गिटार तो काफी सारे ऑप्शन हमको मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो कितना सारा ऑप्शन आ गया, एंड इससे क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे आपके लिए कौन सा गिटार बेटर रहेगा एंड कौन सा गिटार आपको लेना चाहिए। तो अभी मैं आपको आपके बजट के हिसाब से बता दूंगा कौन सा गिटार आपको लेना चाहिए एंड कौन सा गिटार आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे प्राइस सिलेक्ट कर लेते हैं 2000 से लेके 3000 तक, जो कि मिनिमम रहता है, इससे कम आपको गिटार नहीं मिलेगा। तो अभी आप देख सकते हो कि काफी सारे गिटार्स का ऑप्शन आ गया यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो टॉप में लिखा हुआ है बेस्ट सेलर जॉरेज एकोस्टिक गिटार, ये आप अवॉइड कीजिए लेना, क्योंकि इतना अच्छा गिटार नहीं है। जॉरेज हो गया कि यहाँ पे जिंक्सिंग हो गया कि फोटोन हो गया, सभी एक ही क्वालिटी के गिटार है एंड इनका क्वालिटी बहुत ही खराब रहता है, जो कि ज्यादा लंबा लास्ट नहीं करता। तो इस रेंज में आपको क्वालिटी वाला गिटार मिलना मुश्किल है, फिर भी अगर आपको इसी रेंज में लेना है, आपका बजट टाइट है, तो आप ये जेबल जो है उसको ले सकते हो, क्योंकि इसमें आपको ट्रस्ट रॉड मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है एकोस्टिक गिटार में। तो बाकी आपका जॉरेज हो गया कि जिंक्सिंग हो गया कि फोटोन हो गया, आपको इसमें ट्रस्ट रॉड नहीं मिलता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जेबल का एकोस्टिक गिटार, जो कि आपको 3000 रुपीज तक आ जाएगा, पर इसका भी क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है। इसका जो मटेरियल है वो थोड़ा सस्ता क्वालिटी का मटेरियल है। तो फोटो में आपको गिटार काफी अच्छा लगेगा देखने में, पर इसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता मटेरियल का। तो अगर आपको इसी बजट में लेना है तो ये गिटार आप ले सकते हो, पर मैं रेकमेंड करूंगा थोड़ा सा बजट बढ़ा के अराउंड 4000 से लेकर 5000 तक आप गिटार ले लो, ताकि आप आराम से प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि ये सब गिटार जो होता है इनका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता एंड इस पर प्रैक्टिस करना भी काफी हार्ड रहता है। फिर भी आप देख सकते हो जेबल का, उसको कंसिडर कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं अभी नेक्स्ट रेंज में आपको कौन सा गिटार मिल जाएगा। तो चलिए भी देखते हैं 3000 से लेकर 5000 तक हमको कौन सा गिटार मिल जाएगा अमेजोन पे। तो इसको एक बार सर्च कर लेते हैं। तो इसी रेंज में भी आपको वही गिटार्स मिल रहे हैं, मोस्टली जेबल का हो गया, जो पिछला हमने देख लिया था उसका कुछ दूसरा कलर है, तो यहाँ पे कुछ डिजाइनर है, ये सब जरूरत नहीं है, बस आप बेसिक पे ध्यान दीजिए अभी। तो और जो गिटार मिल रहा है यहाँ पे है कैडेंस का, जेबल कुछ लिखा है इसके बारे में मुझे पता नहीं है, नीचे देखते हैं मीना, ये भी मेरे को पता नहीं है कैसा गिटार है, इसको आप मत लीजिए। तो यहाँ पे जो कैडेंस का फ्रंटियर सीरीज है वो एक स्टैंडर्ड गिटार आप कह सकते हो, एंड अराउंड 5000 रुपीज का है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सर्च करते हैं कैसा गिटार है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैडेंस का फ्रंटियर सीरीज, ये एक स्टैंडर्ड गिटार है, इसका साउंड क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है, इसके ऊपर मैंने रिव्यू बनाया था, पर अगर आपका बजट 5000 है तो अमेजोन पर उतना कुछ ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो इसका क्वालिटी भी ठीक ठाक ही है, पर ये काफी बेटर रहेगा आपका जो 3000 वाले गिटार से, जो कि जेबल की जिंक्सिंग हो गया, उससे काफी बेटर ही ये गिटार, एंड इसके साथ आपको एक्सेसरीज भी मिल जाता है। तो जब भी आप अमेजोन से ऑर्डर करते हो आप एक चीज का ध्यान रखिए, वो अमेजोन फुलफिल्ड होना चाहिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इससे क्या होगा कि अगर आपके पास प्रोडक्ट डैमेज पहुंचता है तो अमेजोन क्या करेगा, उसका रिटर्न खुद करता है, पर अगर फुलफिल्ड बाय सेलर होता है तो वो लोग क्या करते हैं, वो रिटर्न आपको खुद करना पड़ता है, काफी परेशानी हो जाएगी आपको। तो वो नहीं करके आप क्या कीजिए, एक बार चेक कर लीजिए अमेजन से फुलफिल्ड है कि नहीं, उसके बाद आराम से मंगाइए। अगर आपका गिटार डैमेज पहुंच रहा है तो आप उसको आराम से रिटर्न कर सकते हो, रिफंड ले सकते हो। तो ये चीज का आप जरूर ध्यान रखिए जब भी आप ऑर्डर करते हो अमेजन से। तो ये कैडेंस का गिटार आप कंसिडर कर सकते हो अगर आपका बजट 5000 है, इसके साथ एक्सेसरीज आपको मिल जाता है। पर अमेजन पे एक्चुअली क्या है कि इंस्ट्रूमेंट का इतना ज्यादा ऑप्शंस है नहीं। अगर आप पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का शॉपिंग कर रहे हो ऑनलाइन, तो आप bajao.com हो गया कि fatados.com हो गया, वहां पे चेक कर सकते हो। उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वहां पे काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे एंड अच्छा डिस्काउंट भी मिलता है। एंड बजाओ पे आपको वॉल्ड का गिटार भी मिल जाएगा अभी कुछ दिनों में, अभी आपका जून चल रहा है, मोस्टली जुलाई तक वहां पे अवेलेबल हो जाएगा, वहां पे काफी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे अच्छे क्वालिटी का इस रेंज में 5000 रेंज में। तो उसके ऊपर मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा, पहला भी देख लेते हैं अमेजोन पे आप क्या क्या बाय कर सकते हो। तो इतना ही हो गया कैडेंस का, ये अभी आपको मैक्सिमम मिल जाता है। ये जो गिब्सन है वो सब आप मत लीजिए, यहाँ जो गिब्सन का गिटार वेनस स्पेशल कुछ है, तो ये सब उतना अच्छा क्वालिटी का गिटार नहीं रहता, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है।
एंड इसमें बस सस्ता क्वालिटी का वुड यूज होता है जो कि ज़्यादा लंबा लास्ट नहीं करता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गिब्सन का जो मॉडल है ये प्राइस अराउंड इसका है 4500 प्लस 90 डिलीवरी चार्जेस है, जो कि काफ़ी महंगा है। आपको ये गिटार लोकल शॉप में 3000 से लेकर 4000 में आराम से मिल जाएगा, एंड उसके साथ आपको एक्सेसरीज भी मिलेगा। इसके साथ भी मिल रहा है पर इसका एक्सेसरीज कुछ काम का नहीं है, इसका बैक काफ़ी लो क्वालिटी का है। तो आप इसको अगर लेना है तो आप ऑफलाइन ले लो दुकान से 3000 से लेकर 4000 में, ऑनलाइन काफ़ी महंगा आपको गिर जाएगा। ये जो प्राइस है ये काफ़ी महंगा है। तो चलिए भी देखते हैं और क्या ऑप्शंस हमको मिल जाएंगे इस रेंज में। तो अमेजोन पर तो ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, आपका 5000 रेंज में बस वही जिंक्सिंग है जिसको लेना नहीं है, बस कैडेंट ही जो कि अभी लग रहा है बेस्ट ऑप्शन है आपको ऑनलाइन लेने का 5000 रेंज में। यहाँ पे आप देख सकते हो जिंक्सिंग का और एक मॉडल है जहाँ पे आपको एक्सेसरीज दे रहे हैं, तो आप इस सब के पीछे मत जाइए क्योंकि जो एक्सेसरीज है कुछ काम का नहीं है। कैपो आराम से 100 रुपये में आपको मिल जाएगा, ट्यूनर जो है आपको जरूरत नहीं क्योंकि आप मोबाइल से आराम से ट्यून कर सकते हो, और इसका जो बैग एंड स्टैंड है उसका क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होता। तो आप ये सब भूल जाइए, बस आप एक अच्छे गिटार को ध्यान दीजिए। वो कैडेंसी है जो मुझे लग रहा है कि आप ले सकते हो, पर अगर आप कहीं दूसरा साइट पे सर्च करो तो आपको अच्छा गिटार मिल जाएगा कैडेंस से, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए भी नेक्स्ट देखते हैं कि 5 से लेकर 10,000 तक आपको कौन सा गिटार मिल जाएगा अमेजोन पे। तो चलिए भी देखते हैं 5 से लेकर 10,000 में आपको कौन सा गिटार मिल जाएगा अमेजोन पे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो आपको काफी सारे ऑप्शन मिल गए हैं। जो बेस्ट गिटार आपको मिलेगा इस रेंज में वो है आपका यामाहा का F310, जो कि सबसे ज्यादा बेस्ट सेलिंग गिटार है इंडिया में। यहाँ पे आप देख सकते हो यामाहा का F310 जो कि मोस्ट पॉपुलर गिटार है अभी इंडिया में, एंड इसका क्वालिटी भी काफी अच्छा रहता है, इस पर आप डिपेंड कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि ये सोल्ड बाय म्यूजिक लाइफ है एंड फुलफिल्ड बाय अमेजन है, जो कि काफी अच्छा रहेगा। अगर आपका गिटार आपको डैमेज मिलता है तो आप आराम से इसको रिटर्न कर सकते हो। तो इसका लुक्स भी काफी अच्छा है, इसके ऊपर मैंने रिव्यू भी बनाया, उसको आप जरूर देखिए। तो इसको आप जरूर ले सकते हो, पर इसका जो प्राइस है अभी थोड़ा महंगा यहाँ पे दिखा रहा है 8,940 के आसपास। तो जो प्राइस है वो काफी फ्लक्चुएट करता रहता है, अगर आप इसको ऑफलाइन दुकान में सर्च करोगे तो आपको ये अराउंड 8,000 मिल जाएगा। एंड यहाँ पे अमेजोन पे भी काफी सस्ता में मिल जाता है, कभी कभी सेल चलता रहता है, अराउंड आपको 7,500 के नीचे भी मिल जाता है। तो आप चेक करते रहिए, ये काफी अच्छा गिटार रहेगा अगर आपको स्पेंड करना है 7 से लेकर 10,000 तक। तो चलिए देखते हैं और क्या गिटार हमको इस रेंज में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप और एक गिटार कंसिडर कर सकते हो, वो है कैडेंस का फ्रंटियर सीरीज, जो कि है इलेक्ट्रो एकोस्टिक गिटार, एंड इसके साथ आपको इसका एक्सेसरीज भी मिल जाता है। तो चलिए एक बार चेक करते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो कैडेंस का फ्रंटियर सीरीज है इलेक्ट्रो एकोस्टिक गिटार है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके साथ इसका इक्वलाइजर भी दिया हुआ है। तो ये देख सकते हो इसका इक्वलाइजर है जिससे आप कंट्रोल कर सकते हो इसका वॉल्यूम बेस मिड ट्रेबल सब, एंड इसको आराम से आप एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। तो ये रेंज में काफी अच्छा गिटार है, 6,800 है, एंड ये भी आपका फुलफिल्ड बाय अमेजन है, इसको आप आराम से खरीद सकते हो अगर आपको स्पेंड करना है 7,000 तक। एंड इसका स्पेसिफिकेशन भी अच्छा है, रोजवुड है, स्प्रूस वुड है, सब कुछ अच्छा ही है इसका, दिखने में तो अच्छा लग रहा है ये। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और क्या गिटार आपको मिल जाएंगे इस रेंज में। तो यहाँ पे जो आपको और एक गिटार मिल जाएगा वो है फेंडर का SA-105। तो ये भी काफी अच्छा गिटार है, आपको बजट में मिल जाता है, पर अगर आपको यामाहा एंड इसको कंपेयर करना है तो यामाहा काफी बेटर रहेगा, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है दोनों का कंपैरिजन, उसको जरूर देखिए। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। इसका लुक्स तो काफी अच्छा है, सेम साइज है यामाहा जैसा है, इसके साथ पर एक्सेसरीज आपको मिल जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया इनकी आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ट्यूनर हो गया, पिक्स आपको मिल जाएगा 20-30 रुपये में आराम से, स्टैंड की आपको जरूरत नहीं है, इसका बैग भी उतना अच्छे क्वालिटी का नहीं है। तो अगर आपको बस गिटार कंसिडर करना है तो आप यामाहा F310 आंख बंद करके ले लीजिए। तो इसका प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा महंगा है, 8,500 तक आपको मिल रहा है अभी, पर इसका प्राइस भी घटता रहता है। मैंने इसको एक बार बाय किया था 6,000 रुपीज में विद इसका जो एक्सेसरीज के साथ। तो आप थोड़ा चेक करते रहिए, बीच बीच में इसका प्राइस हमेशा गिरता रहता है, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो, पर मैं रिकमेंड करूंगा आप यामाहा F310 ही ले लो अगर आपको इन दोनों में से चॉइस करना है। तो यहाँ पे आप और एक मॉडल चेक कर सकते हो, यामाहा का SS100C, जो कि ऑलमोस्ट सेम है F310 जैसा, पर इसमें क्या आपको कट अवे मिल जाता है। यहाँ पे चेक करते एक बार, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसका कट अवे मिल जाता है आपको, जो कि थोड़ा इजी होगा आपको प्ले करने में। पर इसका जो प्राइस है यहाँ पे 10,700 काफी महंगा है, आपको ये बाहर दुकान पे 9,000 से लेकर 9,500 तक मिल जाता है। तो आप चेक कीजिए, अगर आपको मिल जाता है कहीं से तो आप इसको ले सकते हो, वरना ये प्राइस पे लेना इसको थोड़ा भी घाटे का डील लग रहा है मुझे। ठीक है, तो आप वेट करते रहिए, अगर यहाँ पे प्राइस कमता है अराउंड 10,000 के नीचे आ जाता है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं और क्या हमको मिल सकता है इस रेंज में। तो यहाँ पे आपको और एक गिटार मिल जाता है 10,000 रेंज में, वो है कैडेंस का स्लो हैंड सीरीज, ये भी आपका इलेक्ट्रो एकोस्टिक है, पर इसका जो रेट है अभी है 10,000 रुपए,
तो इसका रेट अभी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 10,000 रुपीज़ है, जो कि काफ़ी महंगा है इसके क्वालिटी के हिसाब से। तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो, अगर आप 10,000 रुपीज़ स्पेंड कर रहे हो तो आप यामा ले लो, काफ़ी अच्छा रहेगा। इसकी जगह मैंने जो आपको पहला गिटार दिखाया इलेक्ट्रोकोस्टिक कैडेंस का, उसको कंसिडर कर सकते हो आप, क्योंकि कैडेंस का जो फ्रेट वर्क का फिनिशिंग रहता है वो इतना खास रहता नहीं है। मैंने इसके ऊपर रिव्यू बनाया था, आप थोड़ा इसको देख के लीजिए। तो चलिए अभी आगे देखते हैं और क्या गिटार हमको मिल रहा है। तो आपका मोस्टली यही सब गिटार मिल रहा है अमेजोन पे, यामाहा, फेंडर, नेटो, कैडेंस। बाकी आपका जिंक्सिंग हो गया, जॉरेज हो गया, वो सब चीप क्वालिटी गिटार से, उसको आप कंसिडर मत कीजिए। तो ज़्यादा कुछ यहाँ पे ऑप्शंस है नहीं बाय करने के लिए गिटार अमेजोन पे, पर अगर आपको लेना है तो आप ये सब गिटार्स को कंसिडर कर सकते हो। तो अगर आपको अभी इलेक्ट्रो एकोस्टिक गिटार प्ले करना है तो आप यहाँ पे कैडेंस को चूज कर सकते हो, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप दूसरे ब्रांड्स भी चेक करो जो कि अभी अमेजन पे अवेलेबल नहीं है, दूसरे वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, जैसे बजा हो गया, फटाडोज हो गया। तो जैसे आपका हो गया प्लूटो का गिटार, काफ़ी अच्छा गिटार है वो, मैं उसको पर्सनली यूज़ किया है काफ़ी सालों तक, अभी भी यूज़ करता हूँ। देन आपका ग्रेनाडा हो गया, हवाना हो गया, हर्ज हो गया, वो सब काफ़ी अच्छे गिटार्स हैं एंड आपको मिल जाएंगे 7 से लेकर 9,000 तक, अगर आपको इलेक्ट्रो एकोस्टिक चाहिए अच्छे क्वालिटी का। पर अगर आपको ऑनलाइन ही बाय करना है, आपका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो आप कैडेंस को कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो यही सब था गिटार्स जो कि आप कंसिडर कर सकते हो 3,000 से लेकर 10,000 तक। तो इतना ही ऑप्शन है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस कैडेंस है, यामाहा एंड फेंडर है। तो इन सब का लिंक्स मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो, अगर आपको बाय करना है तो वहाँ से बाय भी कर सकते हो। तो आई होप अभी आपने देख लिया है कि कौन कौन से गिटार्स अवेलेबल है अमेजोन पे, ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं। मैं आगे जाके बजाओ करने तो आप किसी वेबसाइट का बनाऊंगा जहाँ पे आप आराम से गिटार को खरीद सकते हो, वहाँ पे आपको ज़्यादा वेरायटी भी मिल जाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं, अगर कोई भी डाउट हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे, वरना इंस्टाग्राम में आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट लेसन पे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।